ओम शांति। 11 मार्च 2021 के ईश्वरीय महावाक्य आज की मुरली से सुनते हैं 7 मुख्य पॉइंट्स। प्राणेश्वर बाबा कहते, आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो, वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो, ब्राह्मण देवताओं से ऊंच हैं। दूसरा पॉइंट, त्रिकालदर्शी बाप तुमको संगम पर सारे सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सत्युग में थोड़े ही सुनाएंगे, जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं तो उसका समाचार कैसे समझाएं। मैं आता हूँ अंत में, कल्प के संगम युगे। तीसरा पॉइंट, पारसनाथ बाप कहते हैं, कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई है ये तो मालूम होना चाहिए, क्या हुआ, श्री बाबा कब आया, कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना, अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। चौथा पॉइंट, ज्ञान सागर बाबा समझाते हैं, भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है, मुक्तिधाम अपने घर जाना है, अब नाटक पूरा होता है, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है, बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता। पांचवा पॉइंट, बाप दादा श्रीमत देते हैं, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं, इस रूहानी नशे में रहना है, ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। छठा पॉइंट, ऑलमाइटी बाबा ने समझाया, कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है, जो भी कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो, सब जिम्मेवारी बाप को दे दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। सातवां पॉइंट, मोस्ट बिलव्ड बाबा का डायरेक्शन है, श्रीमत के इशारे प्रमाण सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ओम शांति। अब सुनते हैं मुरली सविस्तार। विशेष शिव जयंती निमित्त, मीठे बच्चे तुम सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम्हें स्वयं भगवान बधाइयां देते हैं। प्रश्न, बाप बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सत्युग में नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि सत्युग तो है ही आदि का समय, उस समय सारी सृष्टि का समाचार अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? जब तक सर्कल रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुना ही कैसे सकते। संगम पर ही तुम बच्चे बाप द्वारा पूरा समाचार सुनते हो, तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत हैं जिनको बाबा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते, बहुत हैं जिनको पता नहीं है कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है, वे ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं। नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सकें, ये है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था, यहाँ बच्चियाँ राधे कृष्ण बन डांस करती हैं, परंतु डांस की तो बात ही नहीं, वह तो वहाँ सत्युग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं यह बाप दादा है, दादा को ग्रैंडफादर कहा जाता है, ये दादा तो हुआ जिस्मानी फादर, ये तो वंडरफुल बात है,
वह दादा है रूहानी और ये है जिस्मानी। इनको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है डाडे का अर्थात ग्रैंडफादर का। सब आत्माएं ब्रदर्स हैं तो वर्षा बाप से मिलता है। बाप कहते हैं तुम आत्माओं को अपना शरीर अपनी कर्मिंद्रियां हैं। मुझे निराकार कहते हैं। जरूर मुझे शरीर चाहिए तब तो बच्चों को राजयोग सिखाऊं अथवा मनुष्य से देवता पतित से पावन बनने का मार्ग बताऊं व मूत पलीती कपड़ धोऊं। जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्माओं को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो जानते हो हम श्री बाबा को बधाइयां देने आए हैं। बाप फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग्स देते हैं क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम सौभाग्यशाली ब्राह्मण कुल भूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं हैं जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंच हैं। ऊंच से ऊंच है बाप। फिर वे आते हैं ब्रह्मा तन में। उनके तुम बच्चे बहुत ऊंच से ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की है चोटी उसके नीचे हैं देवताएं। सबसे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये तो मालूम होना चाहिए कि ये भी मनुष्य हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग हैं। यहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण नाम रखाए हैं तो चतुर्भुज हो गए ना। ये विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट। तुम इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। ये लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक हैं। विष्णु की हैं चार भुजा दो लक्ष्मी की दो नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा बाप की महिमा का गीत सुनाओ। सारी दुनिया में शुरू से लेकर अब तक कोई के भी इतनी महिमा नहीं है सिवाय एक के। नंबरवार तो हैं ही। सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंच ते ऊंच परमपिता परमात्मा की जिसके तुम सब बच्चे हो। कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो। ईश्वर का यहाँ जन्म है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाप यहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझाते हैं क्योंकि नए भी बहुत हैं। इन्हों के लिए समझना मुश्किल है। हाँ फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी हैं दास दासियां भी हैं प्रजा भी होती है। उनमें कोई गरीब कोई साहूकार होते हैं उनकी भी दास दासियां होती हैं। सारी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है ये तो और कोई को मालूम नहीं है। सबकी आत्मा तमो प्रधान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई को है नहीं। गीत अभी बाप की महिमा सुनी। वह है सबका बाप। भगवान को बाप कहते हैं बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवाय लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था कोई खंड नहीं। तो अब भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिरला ने कौन से कर्म किए जो इतना धनवान बना।
जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्मों को तुम मानते हो, कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता के भगवान ने सुनाई थी, जिसकी महिमा सुनी। शिव भगवान है एक, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। अब बाप कहाँ आया है, समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है तो मीठे ते मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं, दुख में सिमरन सब करें। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, वहाँ बाप का पाया हुआ वर्षा था। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया, अब नर्क है। बाप आए हैं स्वर्ग बनाने, दुनिया को तो पता भी नहीं। कहते हैं हम सब अंधे हैं, अंधों की लाठी आप प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जहां हम आत्माएं रहती हैं वह है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं, तुम आत्माएं और हम रहते हैं। इनकी आत्मा को कहते हैं मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहां रहता हूँ। तुम पुनर्जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि हे बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हैं, ये झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ। मैं आता तब हूँ जब सब पतित हैं, तब ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बहुत पूछते हैं पहले पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं प्रलय हुई, फिर सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा कृष्ण आया। बाप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, ये बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग त्रेता, रात है द्वापर कलयुग। बच्चे बाप को बधाइयां देते हैं। बाप कहते हैं तत्त्वम, तुम भी 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वै थे, परंतु तुमको पता नहीं है। बाप आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं आकर बताता हूँ तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाप तुमको संगम पर सारी सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि की आदि मध्य अंत हुई नहीं तो उसका समाचार कैसे समझाएं। मैं आता हूँ अंत में कल्प के संगम युगे। शास्त्रों में लिखा है युगे युगे, कृष्ण भगवान उवाच, गीता में लिख दिया है। सब धर्म वाले कृष्ण को भगवान थोड़े ही मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वह है सब आत्माओं का बाप। बाप से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं भाई भाई हो, परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्माएं सब बच्चे हो, बाप का वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे मिले थे, अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने से पुकारने लगे हो। सबकी आत्माएं पुकारती हैं, क्योंकि इनको दुख है, इसलिए याद करती हैं। बाबा आकर सुख दो, अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है, फिर सर्व की सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाप कहते हैं कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ,
मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई है ये तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया, कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना, अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो। भारत पारसपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं, उन्हों को वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं, तुमको फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, वे सब मेटीरियल यज्ञ होते हैं। ये है ज्ञान की बात, इसमें बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयां देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़े ही आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए, ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। ये तो पतित था, 84 जन्म ले पतित बना है, सब पुकारते थे। अब बाप कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाप ही भारत को स्वर्ग का वर्षा देते हैं, स्वर्ग का रचयिता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, यह पाठशाला है, भविष्य में मनुष्य से 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, सर्प का मिसाल। तो तुम बच्चे बाप को बधाइयां देते हो, बाप फिर तुमको बधाइयां देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो, पतित मनुष्य से पावन देवता बनते हो। चक्र तो फिरता है, ये तो तुम बच्चों को समझाना है, फिर ये प्रायलोप हो जाता है। सत्युग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती, अभी तुम दुर्गति में हो तब इस ज्ञान से सदगति मिलती है। बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सर्व का सतगुरु एक ही है, बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती, सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेने पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है, मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है, ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाप का जन्म स्थान कब खत्म नहीं होता, तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतित भारत में ही होते हैं, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, योगी से भोगी बने हो, ये है रौरव नरक, महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है, खूने नाहक खेल है, बैठे बैठे बॉम्ब्स गिरेंगे, तुमने क्या गुनाह किया, नाहक सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है, अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो, तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार ज्ञान खड़ग है, तुम हो ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण, प्रजापिता भी बाबा है, कल्प पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, इसमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे, छीछी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए, बेहद का बाप आते ही हैं नई दुनिया रचने। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ ले आया हूँ, तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ, तुम सब द्रौपदियाँ हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण हैं। इस रूहानी नशे में रहना है, ज्ञान और योग से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। दूसरा, सबको श्री बाबा के अवतरण की बधाइयां देनी हैं, बाप का परिचय देकर पतित से पावन बनाना है, रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान, हर संकल्प बाप के आगे अर्पण कर कमजोरियों को दूर करने वाले सदा स्वतंत्र भव। स्पष्टीकरण, कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन है, जो भी कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो, सब जिम्मेवारी बाप को दे दो तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब इस अधिकार स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिक निकल जाएगी। हर सेकंड ये चेक करो कि मैं बाप समान सर्व शक्तियों का अधिकारी मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ। स्लोगन, श्रीमत के इशारे प्रमाण, सेकंड में न्यारे और प्यारे बन जाना ही तपस्वी आत्मा की निशानी है। ओम शांति।